रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं रामजी पांडे और अब्दुल जी। कैलकुलेशन में हम डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपके साथ टैक्स की कैलकुलेशन पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे डेट की कैलकुलेशन। डेट की कैलकुलेशन जब आप करने जाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, सबसे पहले जानें कि आपका सिस्टम का डेट फॉर्मेट क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि मेरा जो डेट फॉर्मेट है वो है DDMMYY, DDMMYY, मतलब कि मैं यहाँ पे पहले डेट डालूंगा। जैसे आज की डेट अगर डालना है तो पहले मैं 6 डालूंगा /9 डालूंगा। करेंट ईयर का डेट है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं, एंटर मारते ही ऑटोमेटिकली ये आपका करेंट ईयर आ गया और कुछ इस तरह से दिख रहा है। बट मैं ऐसा इसलिए एक स्मॉल बिजनेस तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6/09/21 यहाँ हमारा डेट डाला, क्योंकि मेरा डेट जो है MMDDYY नहीं है, DDMMYY है, क्योंकि मेरा जो सिस्टम इंस्टॉल करते समय जो मैंने सेटिंग में रीजन सेलेक्ट किया था वो इंडिया का सेलेक्ट किया था। लेकिन जब आप लोग ऑफिस में काम करते हैं तो मोस्टली लोगों का रीजन जो है वो US सेलेक्ट होता है, और US का जो डेट फॉर्मेट होता है वो होता है MMDDYY, मतलब उसको अगर आज का डेट लिखना होगा तो पहले मंथ देन डे लिखना होगा। लेकिन जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरे सिस्टम में एक जून हो जाएगा। एक सबसे बड़ी पंगा यही होता है इसके अंदर में कि जब डेट जो आपका फॉर्मेट चेंज होता है तो मेरा डेट अगर मैंने डाला है मंथ, मैंने डाला है 12 जनवरी, तो आपके पास हो जाएगा 1 दिसंबर, क्योंकि मेरा मंथ आपके यहाँ डे बन जाएगा और मेरा डे आपके यहाँ मंथ बन जाएगा। और सेम मेरे पास भी जब डेटा आएगा तो कुछ इस तरह से ही होगा। इसका सोल्यूशन क्या है? आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन का जो डेटा अगर भेजेंगे तो उसमें डेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह से आप डेट जो है डेट फॉर्मूले में लिख दें, 2021 मंथ हो गया 9 और 6। अब एक किसी भी डेट फॉर्मेट में जाएगा तो 6 सितंबर ही शो करेगा किसी भी डेट फॉर्मेट में। ठीक है सर? ठीक है सर। तो इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। अब मान लीजिए कि डेट में से मुझे अगर कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो हमारे पास एक ईयर का फॉर्मूला है जो कि ईयर एक्सट्रैक्ट करता है, हमारे पास मंथ का फॉर्मूला है जो मंथ एक्सट्रैक्ट करता है, और हमारे पास डे का फॉर्मूला है जो कि डे एक्सट्रैक्ट करता है, 2021 9 एंड 6, और वापस हमारे पास जो है डेट का फॉर्मूला इन तीनों को कंबाइन करता है। हो गया सर? हो गया। अब इसमें अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि अगर मान लीजिए मुझे आज का सिस्टम डेट देना हो तो उसके लिए टुडे का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट देता है, और एक नाउ का फॉर्मूला है जो कि डेट एंड टाइम देता है, और आपके कैलेंडर अपने आपके सिस्टम टाइम के अकॉर्डिंग ये अपने आप को अपडेट करते ही रहता है। कल मैं अगर इस फाइल को खोलूँ तो मेरा टुडे का डेट चेंज हो गया है, और नाउ कुछ सेकेंड्स बाद मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा मेरा टाइम भी चेंज हो जाएगा। बट आपको कहीं पे कुछ टाइप करना होगा या रिफ्रेश करना होगा तभी आपका टाइम अपडेट होगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिए तो टाइम घड़ी की तरह चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं अपने
एक डेट में कुछ दिन ऐड करना है। जैसे आज का डेट हमने डाला हुआ है, इसमें मुझे 20 दिन ऐड करना है या 20 दिन घटाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट टाइम प्लस डेट प्लस डेंज, माइनस करना है तो माइनस, ये आपका डेंज आ जाएगा। तो अगर आपको किसी डेट में कुछ मतलब किसी डेट में कुछ डेज ऐड करने हैं या डिडक्ट करने हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस और प्लस सिंपल इसका यूज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो इसमें आता है वो आता है कि मुझे अगर 3 महीने जोड़ने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 3 मल्टीप्लाई बाई ये कर दें, 10 कर दें और इसको ऐड कर दें, ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम ई डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे, ई डेट का, ई डेट, और यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने डेट आ जाएगा। आ गया, आ गया। और माइनस करना है तो आपको यहाँ पे मंथ को माइनस में डाल दीजिए तो माइनस हो जाएगा। लेकिन किसी डेट का फॉर्मेट कैसे चेंज किया, कंट्रोल शिफ्ट हैश, 2 साल 4 महीने और 26 दिन ऐड करना है। अब मुझे डेट में 2 साल 4 महीने 26 दिन का पीरियड ऐड करना है, तो यहां पे क्या करना होगा, जस्ट टाइप डेट फॉर्मूला जो ऊपर मैंने बताया आपको, एंड ईयर, इसमें से ईयर स्ट्रैक करेगा प्लस 20 मंथ, इसमें से मंथ स्ट्रैक करेगा प्लस 4, देन डेज, डे नॉट ए डेज, डे डे अलग करेगा इसमें से, इसमें प्लस 26, और आप देखेंगे आपका डेट ऐड होके डेट बन गया। तो आपको माने कि कई सारे पीरियड ऐड करने, साल ईयर मंथ ऐड करना हो तो हम इसी का इस्तेमाल करें। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल। अब इसमें ये हो गई, और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें डिडक्शंस की। जैसे 1 तारीख और आज की तारीख हम ले लेते हैं, इन दोनों को मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट डिफरेंस आ जाएगा, या फिर आप यहाँ डेज का कॉमा लगाएं, लेटेस्ट डेट कॉमा ओल्डेस्ट डेट आ जाएगा डिफरेंस। देखिए एक फॉर्मूला होता है डेज 360, उसमें स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट अगर आप डालते हैं तो आपके यहाँ पे जो है डेज आता है। अब उसे तो 245 दिया, 3 दिन घटा दिया है, तो डेज 360 क्या करता है कि साल को 365 नहीं 360 दिन लेता है। मतलब कि इसके साल के डिफरेंस में 360 दिन का डिफरेंस, अगर एक साल को घटाते हैं ना सर तो 360 दिन ही शो करेगा, ना कि 365 दिन। ये फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो 360 दिन का होता है, 5 दिन वो लेजर मेंटेन वगैरह करने के लिए रखते थे पहले, अब का तो पता नहीं, पहले ऐसा था बीकॉम में पढ़ा था, अब क्या है सिस्टम पता नहीं सर, क्योंकि पहले तो पूरा काम मैनुअल होता था ना, टाइम चाहिए होता है ना मेंटेन करने के लिए। पहले तो बैंक्स भी 31 को बंद, मैंने 31 मार्च और 1-2 दिन बंद होते थे सारे बैंक्स, ट्रांजेक्शन नहीं होता था क्योंकि उनका कोई ऑडिट सॉडिट चलता था जी सर। तो हमने हला दिया। अब दूसरा आता है कि मुझे यहाँ पे वर्क, मुझे यहाँ वर्किंग डेज निकालना है। मेरी कंपनी सैटरडे एंड संडे बंद होती है, उसके अलावा उनकी कुछ लिस्ट ऑफ हॉलीडे भी है, जैसे कि 1 जनवरी को बंद होता है, 26 जनवरी को बंद होता है, 17 मार्च होली थी मान लीजिए, 17 मार्च होली थी उसका बंद था, उसके बाद मान लीजिए 20 अप्रैल को ये था शिवरात्रि थी उसका बंद था, या मान लीजिए आपका 26 जनवरी भी बंद था, ये आपका 15 अगस्त बंद था। तो इस तरह से हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ
लिस्ट ऑफ हमारे पास डेज है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे लगेगा फॉर्मूला नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेज एंड योर होलीडे लिस्ट। अब जरूरी नहीं कि होलीडे लिस्ट जिस डेट तक है उस डेट के अंदर का ही होना चाहिए, आप पूरे साल का लिस्ट डाल दीजिए कि भाई सैटरडे एंड संडे के अलावा आपकी कंपनी कब बंद हो रही है, उसका टाइम यहाँ पे डाल दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने रिजल्ट आएगा। इसने सैटरडे एंड संडे को इंक्लूड नहीं किया और इस होलीडे को लिस्ट इंक्लूड नहीं किया। अब राशिद जी बोलेंगे कि सर मेरी कंपनी सैटरडे संडे नहीं फ्राइडे सैटरडे बंद है, या रामजी पांडे जी बोलेंगे सर हमें सैटरडे छुट्टी कहाँ मिलती है, हमें तो सिर्फ संडे संडे मिलती है। जी सर ऐसा ही होता है। हाँ, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला है नेटवर्क डेज डॉट आईएमटीएल। आईएमटीएल को हम लोग इंटरनेशनल कह सकते हैं और फिर इसको स्टार्ट करें कॉमा, इसको स्टार्ट सिलेक्ट करें एंड यहाँ पे चूज है आपको वीकेंड्स का कि आपकी वीकेंड्स कब है। तो चलिए रामजी पांडे जी को हम लेते हुए इनकी संडे को सिर्फ सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो अपने हॉलीडे को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो रामजी पांडे जी अभी तक 209 दिन ड्यूटी कर चुके हैं, ठीक है सर? ठीक है सर, ये हो गया आपकी। अब मान लीजिए कि अच्छा हमने डिफरेंस तो ले लिया, बस डिफरेंस है स्टार्ट डेट है एंड डेट चाहिए, मतलब कि आज हमने बैंक को बोला कुछ फंड्स के लिए लोन के लिए, मान लीजिए बोला, मान लीजिए 1 करोड़ की लोन के लिए रामजी पांडे जी ने अप्लाई किया, 1 करोड़ काफी है सर? सर अब मानना है तो करोड़ों में मानेंगे ना, लाख दुलाख क्या माने। सही बात है सर। तो यहाँ पे उन्होंने बैंक में बोला कि 15 दिन का वर्किंग डेज हमारा लगेगा, मतलब 15 दिन हमारा वर्किंग डे लगता है, उसके बाद लोन अप्रूव हो जाएगा। तो रामजी पांडे जी ये देखना चाहते हैं कि मैं कब अपना बैलेंस चेक करूं ताकि मैं बैंक बैलेंस करोड़ का दिखाए, तो उसके लिए ये निकाल यूज करेंगे वर्क डे का फॉर्मूला। वर्क डे सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे डेज को सेलेक्ट किया, देन हॉलीडे, ये बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे को स्किप करता है काउंटिंग में, और इसने बताया कि इनके पास जो 1 करोड़ रुपये आने वाले हैं वो 27 सितंबर को आ जाएंगे। लेकिन बैंक बोला नहीं नहीं मैं सैटरडे को भी काउंट करूंगा, सैटरडे और वर्किंग डे। तो उस केस में हम यूज करेंगे वर्क डे डॉट आई एन टी एल, ठीक है? ओके सर। स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट एंड दिस इज द संडे सेलेक्ट कर लिया, आफ्टर दैट आप लिस्ट ऑफ डेज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो सैटरडे संडे बंद होता है तो 23 तारीख को ही आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी सर, संडे संडे बंद होगी तो, ठीक है? ठीक है सर। चलिए अब चलिए बात करते हैं, रामजी पांडे जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29th November 1990 जी सर। चलिए मतलब आप मुझे 1 महीना बड़े हैं, छोटे हैं सॉरी, मेरा 10/10/1990 है। तो यहाँ जो हमारा है ये आपका डेट है और ये आ गई आज की डेट। अब मैं जानना चाहता हूँ कि रामजी पांडे कितने साल कितने महीने और कितने दिन के हैं, तो पता है वो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? नहीं पता? नहीं सर। डी आई एल, कुछ लोग इसको डेटेड इफ कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं भी इसको बहुत दिन तक डेटेड इफ ही कहता था, लेकिन जब मैंने इसकी पूरी ये पढ़ी तो पता चला कि नहीं दी है डेट डिफरेंस, तो डेट हो गया और डी आई एफ जो है वो डेट डिफरेंस आ गया। तो डेट डी आई एफ कह सकते हैं, डेट डिफरेंस कह सकते हैं, या मेरी तरह आप डेटेड इफ भी कह सकते हैं, क्या क्या रखा हुआ है इसमें? अब इसमें स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, अब यहाँ पे मुझे करना है वाई इन्वर्टेड कॉमा। अब याद रखिएगा डेटेड फॉर्मूला एडिंग्स फॉर्मूला है, वो आपका इसमें नहीं आएगा,
लिस्ट में नहीं आएगा, मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट। अब यहाँ बोलेंगे सर मंथ निकालना है तो मैं एम कर दूँ, अगर एम कर दे तो आपका डेज का जो डिफरेंस है टाइम ड्यूरेशन का वो मंथ में आ जाएगा। लेकिन मुझे ना 30 साल का चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे डालूंगा वाई एम, मतलब कि ईयर के बाद का मंथ, ठीक है, तो आ जाएगा 9 महीने। फिर यहाँ पे डेट डी आई एफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। अब यहाँ पे बोलेंगे सर कि वाई एम डाला था कि मैं वाई डी वी एम डाल दूँ, नहीं, इसमें सिर्फ डी एम करना है कि मुझे एम डी करना है कि मंथ के बाद का डे चाहिए। सिर्फ डे कर दोगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो रामजी पांडे जी आज के दिन अभी सुबह 8:30 तक जो है 30 साल 9 महीने और 8 दिन के हो गए हैं सर, और मेरे तरफ से एक बड़ी बड़ी मिठाई खा लीजिएगा सर, मुबारक हो। थैंक यू सर, आप पूरे 30 साल 9 महीने और 8 दिन के हो गए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। आज कोई आपका एज पूछेगा तो बोल दीजिए कि आई एम 30 ईयर 9 मंथ एंड 8 डेज ओल्ड। यस सर। सारा सुन के बोले यार अपना दिन तक काउंट कर रहे हैं। हाँ, इसमें अगर ये होता वीवीए प्रोग्रामिंग होती, इसमें आवर मिनट सेकंड भी पता चल जाता। अगर आपका डेट ऑफ टाइम पता है, डेट ऑफ टाइम, तो आप इसमें टाइम डाल दीजिएगा ना सर, मॉर्निंग 4:55 में एक सेम फॉर्मूला वीवीए में लगता है, तो आपका आवर मिनट सेकंड भी निकाल देता है। मॉर्निंग 4:55 है सर टाइम। हाँ, तो चलिए मॉर्निंग 4:55 है, तो यहाँ पे हम एक्सेल से भी निकाल सकते हैं 4:55, और अभी जो टाइम है हमारा वो क्या है, अभी टाइम डालेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए कर देंगे सेमी कॉलन। आ गया, ओके जी सर। ठीक है, तो डेली जो है, सॉरी, इसमें होगे टाइम। अब टाइम कैसे निकाले भाई, तो सबसे पहले आपको इस मैसेज का टाइम अलग करना होगा, समझे जी सर। तो टाइम कैसे अलग करेंगे, तो टेक्स्ट फंक्शन से सर, टेक्स्ट फंक्शन से भी कर सकते हैं। हाँ, टेक्स्ट फंक्शन से भी कर सकते हैं, उसे भी हो सकता है, और दूसरा तरीके भी है, तो चलिए टेक्स्ट फंक्शन ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट किया HH/MM/SS, ठीक है, और ए सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, और आप क्या करेंगे फिर इन दोनों में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 3 घंटे 32 मिनट, समझ गए जी सर। चलिए सर, एक चीज नहीं समझ आई, ये आपने इसका टाइम का फॉर्मेट कैसे चेंज किया, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट, ओके, ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है, आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अब कल हम आपको इस पे टाइम की कैलकुलेशन पढ़ाएंगे, साथ में देंगे टेस्ट, ओके सर, और फिर हम बात करेंगे आगे लुकअप रेफरेंस के साथ, ठीक है, ओके सर, ओके, राइट, ओके, ओके, बाय।